हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। पाव भाजी के लिए हम पहले प्री प्रेप करेंगे। हमने यहाँ पे दो कटे हुए आलू लिए हैं, तो हमारे आलू थोड़े मड़ी थे इसलिए हमने उनको पहले से पील करके रखा है। अब हम इनको बॉईल करेंगे, उसके साथ ही हम दूसरे वेजिटेबल्स जो है वो काट लेंगे। हम इसके साथ डाल रहे हैं कॉलीफ्लावर, जितने वेजिटेबल्स अवेलेबल है वो है गाजर, बीटरूट, मिक्स वेजिटेबल्स। हम लोग न्यूजीलैंड में रहते हैं इसकी वजह से हमारे पास फ्रोजन वेजेस का ही ऑप्शन है, उसके अलावा हमारे पास कोई भी फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे फ्रोजन वेजेस ही डालेंगे। बट लकीली बीटरूट हमें फ्रेश मिल गया है इसलिए हम बीटरूट फ्रेश डाल सकते हैं। गया हमारा बीटरूट। और ये गाजर, इसमें हम अब थोड़ा सा पानी और उसके साथ थोड़ा नमक डाल के इसको कुकर की 3 से 4 सीटी होने देंगे। हमारी सब्जी जब तक बॉईल हो रही है हम तब तक अनियन चॉप कर लेंगे। हम यहाँ एक अनियन चॉप कर रहे हैं, अगर आपको अनियन स्किप करना है तो वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर है। अनियन के साथ हम कैप्सिकम भी चॉप कर लेंगे क्योंकि हमें आज लकीली फ्रेश कैप्सिकम मिल चुका है, तो हम उसे भी चॉप करके हमारी सब्जी में डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारे वेजीज सारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम भाजी बनाना शुरू करेंगे। भाजी बनाने के लिए हम एक पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। हम यहाँ पे बटर स्किप कर रहे हैं क्योंकि बटर हम एंड में फ्लेवर के लिए डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम उसमें अनियन, हमने यहाँ पे 2 कटे हुए अनियन लिए हैं। अनियन को अच्छे से गलाने तक हम उसे गैस पे रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारे अनियन अच्छे से गल चुके हैं, वो कुक हो चुके हैं। अनियन के साथ अब हमने डाल दिया है कैप्सिकम। हमने यहाँ 1 कटा हुआ कैप्सिकम डाला है। क्वांटिटी अनियन, कैप्सिकम और दूसरे सारे वेजेस की आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम यहाँ पे 2 लोगों के हिसाब से क्वांटिटी ले रहे हैं। उसके साथ हमने जो हमारी बॉइल वेजेस थी उसको स्मैश करके रखा हुआ है। स्मैश करने के लिए आप मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ स्पैचुला से ही मैश कर दिया है। कैप्सिकम को हम अच्छे से कुक होने देते हैं। हमारे कैप्सिकम अब गल चुके हैं, इसके साथ हम 1 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हम अच्छे से पकने देंगे। यूजुअली टमाटर अच्छे से पकने देने के लिए हम थोड़ा सा सॉल्ट उसमें डाल सकते हैं, पर आप सॉल्ट डालते हुए ध्यान रखें क्योंकि हमने पहले भी बॉइल वेजीज में सॉल्ट डाला हुआ है, तो कहीं सॉल्ट ज़्यादा ना हो जाए, इस हिसाब से आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं। टमाटर अब अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं सब्जी की कंसिस्टेंसी चेंज हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई मिर्ची, क्योंकि हमें स्पाइसी भाजी ज़्यादा पसंद है तो हम मिर्ची डाल रहे हैं, बट आपके लिए कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ अब हम डालेंगे मटर। मटर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे इसमें। अभी पाव भाजी मसाला थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि हम एक बार सारी सब्जी मिक्स कर लेंगे, उसके बाद वापस हम पाव भाजी मसाला डालेंगे। हम डालेंगे इसमें बटर।
आप पाव भाजी में खूब बटर डालिए, क्योंकि बटर के बिना स्वाद ही नहीं आ सकता पाव भाजी का। सो फिलहाल हम यहाँ पे इतना बटर डाल रहे हैं, उसके बाद हम वापस एंड में बटर ऐड करेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी बॉईल की हुई सब्जियाँ। हमारी सारी बॉईल की हुई सब्जी डालने के बाद हम इसको वापस थोड़ा सा कुक होने देंगे। हम थोड़ा सा और पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पाव भाजी का बेस अब रेडी हो चुका है। इस बेस को आप चाहे तो आप इसको थोड़ा सा अलग से निकाल के फ्रीज भी कर सकते हैं, सो दैट आप थोड़े दिन के बाद भी ये वापस यूज कर सके। फिलहाल हम इसे इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल के उसको अलग पैन में बटर और मिर्च के साथ फ्राई कर लेंगे। तो हम अब दूसरे पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बटर डायरेक्टली डालेंगे तो जलने के चांसेस है, तो बटर जल ना जाए इसलिए हम तेल डालेंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। बटर थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद हम उसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च हम डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा कलर आ जाए। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। हमें पाव भाजी की कंसिस्टेंसी और बैलेंस करनी है, तो इसलिए हम इसमें पानी भी डालेंगे। हमने बनाई हुई भाजी को हम उस पैन में डाल देंगे। हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी अब आपके खुद के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जैसे कंसिस्टेंसी पसंद हो उस हिसाब से आप पानी मिला सकते हैं। भाजी में पानी डालने के बाद आप एक बार नमक उसमें जरूर चेक करें। अगर नमक कम लग रहा हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर ज्यादा लग रहा हो तो आप और थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, या आप और भाजी डाल के नमक को बैलेंस कर सकते हैं। भाजी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इसमें हम फ्लेवर और गार्निश के लिए धनिया डाल देंगे। लकीली हमारे पास फ्रेश धनिया अवेलेबल था आज, तो हम उसको डालेंगे। बट हमारे पास कस्तूरी मेथी अवेलेबल नहीं है, आप चाहे तो कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा निखर के आता है। हमारी भाजी अब रेडी हो चुकी है, तो अब हम पाव गरम करने के लिए पैन में बटर डालेंगे। बटर के साथ हमने थोड़ा सा कांदा और लहसुन का मसाला डाला है। अब हम उसमें पाव डाल देंगे। हमारी पाव भाजी रेडी है और बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।